Yes, good morning dear friends. Today we are starting with accounting standard number 7, that is the construction contract. ये अपना ग्रुप टू का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7. देखो ग्रुप टू के अंदर अपन लोगों के तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाकी है, एक तो 7, एक तो 22 और एक तो 19. ठीक है, ये हफ्ते के अंदर अपना टारगेट है कि तीनों के तीनों एएस कंप्लीट हो सके. जब अपन लोग एएस7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो देखो अपन लोग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की जब अपन बात करें तो कैसा रहता मालूम है, जैसे कोई भी बिल्डर, ठीक है, और वो बिल्डर क्या करता, अलग अलग प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करते रहता है. ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स यानी बिल्डिंग बनाने का, फ्लैट बनाने का, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का. तो अब यहाँ पे जब अलग अलग प्रोजेक्ट्स और अलग अलग बिल्डिंग्स चालू है बनाना, तो इसके अंदर कैसा रहता मालूम है क्या, कोई प्रोजेक्ट रहता कम्प्लीट 50%, कोई प्रोजेक्ट रहता कम्प्लीट 70%, कोई दूसरा प्रोजेक्ट चालू रहता उसके अंदर कम्प्लीशन रहता 10%. ठीक है ना, तो फिर अब जब ये कॉन्ट्रैक्टर है तो इसमें किस तरीके से इनका प्रॉफिट को निकालने का है, मतलब ये जो एएस है ये किसके लिए है, ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए है. पॉइंट नंबर 1 कि दिस एएस इज फॉर कॉन्ट्रैक्टर. ये कॉन्ट्रैक्टर को क्या सिखाता कि उसने अपने वेरियस जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट चालू है उसके ऊपर प्रॉफिट कैसे निकालने का है. तो पॉइंट नंबर 1 कि ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये जो एएस7 का जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब के लिए है. दूसरी बात, ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला एएस है, ये इनको काय के लिए हेल्प करता है, ये अपने काय के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल दे रहा है कि वेरियस जो प्रोजेक्ट्स जो चालू है, जैसा मेरा एक प्रोजेक्ट चालू है खड़की में, मेरा एक प्रोजेक्ट चालू है मलकापुर में, एक मेरा प्रोजेक्ट चालू है शिवनी में, तो खड़की में चालू है, मलकापुर में चालू है, शिवनी में चालू है, सब जगह से माल, मतलब यहाँ पे मेरे यहाँ से जैसे मैं सीमेंट रेती गिट्टी सब एक जगह लेता, फिर यहाँ पे बेचता, यहाँ पे बेचता, यहाँ पे बेचता, फिर कोई फ्लैट यहाँ से बेचे जा रहे, कोई फ्लैट वहां से बेचे जा रहे, कोई फ्लैट यहाँ से बेचे जा रहे, तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अलग अलग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये रहता है. तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे कहेंगे आप लोगों को, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने का है, इसके बारे में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानकारी देने वाला है. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरे को लगे तो मैं लगाऊंगा, मेरे को लगे तो नहीं लगाऊंगा. सभी तरीके के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकग्निशन, सभी तरीके के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकग्निशन इस ही एएस से होने वाला है. तो एएस7 इज मैंडेटरी इन नेचर. एएस7 इज फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स. कॉन्ट्रैक्ट को कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे का फ्लैट खरीदा 4th फ्लोर का, मस्त 2 BHK फ्लैट खरीदा, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 BHK फ्लैट मैंने खरीदा, ये मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ये मैं तो क्या, मैंने खरीद दिया, मेरे लिए फ्यूचर सेट है, मैं तो नौकरी करता, समझ में आ रहा, मैं बैंक में नौकरी करता, मैंने फ्लैट खरीद दिया, तो क्या मेरे लिए है कि ये नहीं, ये एएस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, ये एएस कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, ये एएस कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है. दूसरी बात, ये मैंडेटरी नेचर है. रेवेन्यू रिकग्निशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी मैंडेटरीली कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रिंसिपल्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन एएस7. मतलब रेवेन्यू रिकग्निशन ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी मैंडेटरीली बी कैलकुलेटेड एज पर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एएस7. समझ में आ रहा है, तो एएस7 उसके लिए जरूरी है. अब अपन लोग आगे बढ़ते, थोड़ा थोड़ा समझते चलते और थोड़ा थोड़ा अपन लोग आगे बढ़ते, धीरे धीरे हो जाएगा. तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट रिकग्निशन और ये मैंडेटरी नेचर, ठीक है. आगे देखो फिर इसके अंदर कैसा रहेगा, मैं बताता कि आप लोगों को इसके अंदर फिर क्या दिया है. इसके अंदर क्या बोलते हैं कि आप लोग जो कॉन्ट्रैक्टर है, ध्यान देना, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका प्रॉफिट कैसे निकालने का, ठीक है. तो प्रॉफिट कैसे निकालने का, हर एक चीज का प्रॉफिट कैसा रहता, प्रॉफिट रहता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो यहां पे कॉन्ट्रैक्टर का भी कैसा रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर का भी कैसा रहेगा. देखो पहली बात, यहां पे हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेंगे. जैसे मेरा खड़की का है, खड़की का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है. फिर उसके बाद में मेरे को मलकापुर का बिजनेस है, मेरा मलकापुर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है. उसके बाद में मेरा शिवनी में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मेरा शिवनी का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है. तो मैं हरेक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग प्रॉफिट निकालने वाला हूं. गेटिंग,
हर एक कॉन्ट्रैक्ट का कैलकुलेशन वगैरह मतलब अलग होने वाला है, इट वुड बी डिफरेंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। अल्टीमेटली फिर मैं सब प्रॉफिट को कंसोलिडेट करूंगा और फिर मैं उसको पीएनएल के अंदर लिख रहा हूँ। लेकिन पॉइंट नंबर वन अगेन कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट का कैलकुलेशन अलग अलग होने वाला है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट अलग अलग होने वाला है। उसके बाद में मैं हर एक के लिए कैसे करूंगा, रेवेन्यू मल्टीप्लाई रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, अब रेवेन्यू मतलब कैसा, जैसे मेरा ये जो खड्डी का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा 1 CR का है, मेरा मलकापुर का कॉन्ट्रैक्ट 2 CR का है, मेरा शिवनी का कॉन्ट्रैक्ट 3 CR का है, तो मेरे को क्या 1 ईयर के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कि ये जरूरी नहीं है 1 ईयर के अंदर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में 30% होगा, सेकंड ईयर में 40% होगा, थर्ड ईयर में 30% होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के जो रेवेन्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से। तो ये फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई किया तो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कंप्लीशन माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट इज इक्वल टू माय प्रॉफिट। समझ में आ रहा क्या, तो रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कंप्लीशन माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट इज इक्वल टू प्रॉफिट। समझ में आ रहा क्या बेटा, बोले ना क्वेश्चन। तो बात ऐसी है कि रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कंप्लीशन माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट वुड बी माय प्रॉफिट। समझ में आ रहा क्या, टिल डेट वुड बी माय प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, इसको अपन लिखते कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कंप्लीशन माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट माइनस परसेंटेज इनकर्ड टिल माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट वुड बी माय प्रॉफिट। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कंप्लीशन माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट वुड बी माय प्रॉफिट फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या, तो अगर मेरा खड्डी का कॉन्ट्रैक्ट था 1 CR का, ठीक है 1 CR का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा 20% ही अगर वो कंप्लीटेड है तो मैं कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फिनिश करते हैं पे 20 लाख का। समझ में आ रहा क्या, टोटल रेवेन्यू के जितना आपने काम करा उतना परसेंट ही मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता हूं। तो प्रॉफिट फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इक्वल टू, अरे कोई भी प्रॉफिट कैसे निकलता, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट, देखो जब मैं परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दे रहा परसेंटेज कंप्लीशन रेवेन्यू को, तो वो भी क्या हो जा रहा कि प्रॉफिट मतलब इनकम टिल डेट ही हो रहा है ना एक तरीके से, इनकम टिल डेट मिला नहीं मिला उससे नहीं इनकर हो गया नहीं आ गया, वी आर ऑन दी जीसीए गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रुअल फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, तो एक्रुअल बेसिस पे होगा, तो इनकम टिल डेट माइनस एक्सपेंसेस टिल डेट वुड बी योर प्रॉफिट टिल डेट। अभी कितना प्रॉफिट आया, समझ में आ रहा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट वुड बी प्रॉफिट। अब इसके अंदर से अगर मैं सेकेंड ईयर के लिए कर रहा तो प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इन फर्स्ट ईयर आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड। पहले साल में अगर कुछ आ गया ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया प्रॉफिट, 2 लाख के साल का प्रॉफिट आया क्योंकि टिल डेट है क्यूमुलेटिव है, उसमें से 1 लाख ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया, तो ये साल कितना रिकॉग्नाइज करने का, 1 लाख। समझ में आ रहा है, दो चीजें समझने की अपने को, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अगेन किसके लिए है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किसके लिए है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए कोई लेना देना नहीं। ये क्या बोलता, प्रॉफिट कैसे काढ़ा, प्रॉफिट कैसे निकालने का, प्रॉफिट का क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। चलो आगे, पहले कैसा होता था मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टर लोगों के कॉन्ट्रैक्ट चलते थे 3-3 साल, वो लोग 3-3 साल तक की इनकम ही रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, इनकम ही रिकॉग्नाइज नहीं होती थी, बोले कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम ही नहीं हुई, प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो 3-3 साल तक के बैठे भजन करते हुए कुछ प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, कुछ इनकम ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, टैक्स ही नहीं भरना पड़ रहा, इनकम नहीं प्रॉफिट नहीं, टैक्स नहीं,
सरकार ने बोली ये नहीं चलेगा, बोले आप जितना काम कर रहे ना, जितना काम कर रहे ना उस बेसिस के ऊपर, उस बेसिस के ऊपर तो आप लोगों को प्रॉफिट करना है। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के अंदर कैसा है, जितना काम करा, जितना काम करा, जितना काम करा उतना प्रॉफिट रिकग्नाइज करो, जितना काम करा है उतना प्रॉफिट रिकग्नाइज करना है। ठीक है, तो आगे कुछ फॉर्मूले लिखते अपन लोग, एक दो तीन। पहला कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है, पहला अपन क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, टोटल जितना आपको प्रॉमिस किया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कंप्लीशन प्लस कोई वेरिएशन अगर आपको पैसा मिलने वाला है तो, प्लस क्लेम्स, जैसे कि क्या हो गया, कैसा हो गया क्लेम्स, है मैंने उनसे पैसा मंगा, क्यों, देखो हमने ये बिल्डिंग बनाई, हमको कॉन्ट्रेक्टर ने क्या बोला था, पहले बोले है ना इसके ऊपर है ना, बोले आप लोग ग्रे कलर करना, फिर हमने ग्रे कलर कर दिया, उसको ग्रे कलर पसंद नहीं आया, बोले आप एक काम करो ग्रे मत करो, बोले इसको आप येलो कलर करो, तो मेरे ग्रे कलर का पैसा तो गया हुआ है, फिर मैं डबल से फुकट पे करूंगा कि येलो कलर नहीं, बोले ग्रे कलर का पैसा हम आपको क्लेम के रूप में वापस करने वाले हैं, क्लेम मतलब जो पैसा अपने को मिलता है, समझ में आया, क्लेम मैंने ये भी अपना, ये भी अपने रेवेन्यू के अंदर ऐड हो जाता। वेरिएशन, पहले उन्होंने क्या बोला था, सामने ने बोले कैसा लंबा वरांडा बना रहा है, यहाँ पे बोले स्विमिंग पूल बना रहा, हमने फिर ऐसा बनाया, ऐसा ऐसा स्पेस का कॉन्ट्रैक्ट हमने उनको बात है बंसी आया, फिर उन्होंने नहीं, नहीं, नहीं बोले ऐसा नहीं होना, बोले हमको स्विमिंग पूल यहाँ पे होना, तो बोले अब इसका तो फिर 1.10 CR लगेगा, तो वेरिएशन है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेरिएशन हो रहा है, ये भी अपना रेवेन्यू है, कि कॉन्ट्रैक्टी के बोलने के ऊपर अगर अपन कॉन्ट्रैक्टी को चेंज करें तो कॉन्ट्रैक्टी उसका पैसा देता है, उसको बोलते वेरिएशन, कॉन्ट्रैक्टी ने बोला ऐसा नहीं ऐसा होना, उसके हम तुमको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, उसको बोलते अपन लोग क्लेम्स। पहले ग्रे कलर से मार था, अपने ग्रे कर दिया, उसके बाद नहीं हटाओ येलो कलर करो, तो ग्रे कलर का पैसा देना पड़ता है, क्लेम्स वेरिएशन। फिर कॉन्ट्रैक्ट जब अपन लोगों ने किया था, तो जब लोहा था बोले 10 रुपए केजी, कॉन्ट्रैक्ट होते 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 लोहा हो गया बोले 18 रुपीज केजी, फिर हमने उनको बोला सर देखो हमने इतना अच्छा काम किया, ये किया वो किया, लेकिन बोले महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई के कारण अब हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा, एक काम करो आप हमको थोड़ा सा पैसा ज्यादा दो, उसको बोलते हैं एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब महंगाई के कारण पैसा ज्यादा मिलता है, साथ कॉन्ट्रैक्टर ने एक्सेप्ट किया तो ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट में पहली क्लॉज है एस्केलेशन नहीं मिलने वाला है तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपन ने रिक्वेस्ट किया, हमने किया था इतना अच्छा, ये किया वो किया, 10 रुपए किलो लोहा रहता था अब 18 हो गया, हमको नहीं पड़ता, हमको थोड़ा सा ज्यादा दो ज्यादा दो ज्यादा दो, महंगाई इतनी बढ़ गई, बोले इतनी स्पीड से महंगाई बढ़े तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा बनता है, तो एस्केलेशन। तो अपन रेवेन्यू के अंदर जैसे हमने एक्सेप्ट किया था, रेवेन्यू बोले कॉन्ट्रैक्ट लेते समय 1 करोड़, उसके अंदर फिर वेरिएशन ऐड हुआ, उसके अंदर क्लेम ऐड हुआ, उसके अंदर एस्केलेशन ऐड हुआ, और फिर बाद में बोले आपने 1 साल के लिए हमको दिया था बोले कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के अंदर पूरा करो, हमने जाके उसको 8 मंथ्स के अंदर ही कम्प्लीट किया, तो कुछ तो बनता है यार, कुछ तो दो, कुछ तो प्राइस दो, कुछ तो इनाम दो, इतना अच्छा काम किया, उतना अच्छा काम किया, तो बोले चलो हम तुमको 1% ज्यादा दे, इंसेंटिव मतलब प्राइस जैसा कुछ तो भी, ठीक है ना। एस्केलेशन मतलब क्या, इंक्रीज इन रेवेन्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये हो गया एस्केलेशन। इंसेंटिव एक तरीके का प्राइस, क्लेम और वेरिएशन कैसा है, कॉन्ट्रैक्टी के रिक्वेस्ट के ऊपर पैसा मिलता है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टी चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफकोर्स ये सब रेवेन्यू के अंदर ऐड होने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू प्लस वेरिएशन प्लस क्लेम प्लस एस्केलेशन प्लस इंसेंटिव। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन उतना उतना उस दिन का, प्लस वेरिएशन प्लस क्लेम प्लस एस्केलेशन और प्लस इंसेंटिव है। इस तरीके से अपना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब नेक्स्ट क्लॉज, आप बोलिए सर परसेंटेज कंप्लीशन, परसेंटेज कंप्लीशन आप तो बोले पैसा निकलता। नेक्स्ट परसेंटेज कंप्लीशन, कितना टक्का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड।
कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस सॉरी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड। एग्जांपल जैसे ईयर वन के अंदर आप लोगों को 2,00,000 रुपए लगे और आपको लगता है एस्टिमेटेड कॉस्ट और जो लगने वाला है अपने को कंप्लीट करने के लिए वो लगता है सपोज आप लोगों को 8,00,000, तो परसेंटेज कंप्लीशन कितना आएगा? कॉस्टिंग का टिल डेट डिवाइडेड बाय कॉस्टिंग का टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी 2,00,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 प्लस 8,00,000 इज इक्वल टू 10,00,000। यू गेट परसेंटेज कंप्लीशन। पहले अपन ने देखा रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कितना पैसा आने वाला है इंक्लूसिव ऑफ एस्टिमेशन क्लेम्स वेरिएशंस इंसेंटिव्स एवरीथिंग। फिर उसके बाद अपन लोगों ने क्या लिखा है परसेंटेज कंप्लीशन। परसेंटेज कंप्लीशन इज इक्वल टू ये सब कितना लगा अभी तक डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। ये क्या है अपना टोटल कॉस्ट फॉर दी क्वार्टर अभी तक प्लस आगे तक, अभी तक प्लस आगे तक, ऊपर है न्यूमरेटर में अभी तक, नीचे है अभी तक प्लस आगे कितना लगने वाला है। समझ में आ रहा क्या? अभी अपन जो कॉस्ट और इनकर्ड टिल डेट लिखते उसके अंदर क्या क्या आता? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितना जितना मेरे को खर्चा लग रहा है, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स भी आ गया, डायरेक्ट ओवरहेड्स भी आ गए, डायरेक्ट मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे को स्पेशली एक है ना यहाँ पे ऑफिस बनाना पड़ा, फिर ऑफिस के अंदर ये लोगों को सैलरी देना पड़ रही, वो सब आएगा इनडायरेक्ट। उसके लिए लगने वाला मेरे को मटेरियल वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड्स, उसके बाद में लेबर वगैरह वेजेस सैलरी वगैरह सब इसमें आने वाला है। मतलब क्या पूरा खर्चा इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ। समझ में आ रहा आप लोगों को? तीन बातें देखी, रेवेन्यू देखा, परसेंटेज कंप्लीशन देखा और कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट देखा। एक बार मॉड्यूल में देख लेते हैं। देखो ये 7 दिया हुआ है पेज नंबर 1.18। एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, एक है वो हो गया, एक रहता फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक रहता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस इज एग्रीड एज फिक्स्ड सम और फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे टोटल कॉन्ट्रैक्ट बोले आपको 1 CR के अंदर करने का है, ये हो गया फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। और एक रहता कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, बोले आपको जितना भी खर्चा लगेगा ना, जैसे आपको 80,00,000 लगा तो उसके अंदर 10% एड करके दे देंगे, ये हो गया 88,00,000। लेकिन ये ऐसा कोई नहीं करता है, अपन लोग फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की जिंदगी देखते हैं। उसके बाद परसेंटेज कंप्लीशन मेथड दिया हुआ है, ठीक है ओके। देखो AS7 प्रोवाइड्स दैट व्हेनेवर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। मतलब कि देखो आपका रेवेन्यू मिलने वाला है आपको 1 CR पर, टोटल रेवेन्यू है, आपको लगता है कि कॉस्ट मेरे को है ना अभी 20,00,000 लग गया और आगे जाके मेरे को और 90,00,000 लगने वाला है, टोटल मेरे को लगता है आप लोगों को लगेगा 1,10,00,000 रुपए। 1 करोड़ मिलने वाला है, 1,10,00,000 लगने वाला है, तो 1,00,00,000 का लॉस अभी की अभी की रिकॉग्नाइज करना है। ये भी अपन आगे देखेंगे, समझ में आया? ठीक है, इसके आगे का हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।